देवऋषि नारद व्यास जी से कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की बात सुनाता हूं। मैं अपने पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था और मेरी मां एक वैश्य के घर में सेवा करती थी। वो वैश्य बड़ा धर्मात्मा था। धर्मात्मा इतना कि जब तक उसके घर में कोई एक व्यक्ति भोजन ना कर ले, अतिथि भोजन ना कर ले, संत भोजन ना कर ले, तब तक वो भोजन नहीं किया करता था। ये उसका नियम था और पहले लोगों के नियम ऐसे ही होते थे। आजकल के तो नियम बड़े विचित्र हो गए, वो तो आप सब जानते हैं। आजकल के बारे में क्या बता, मैं पहले की बातें करें तो ज्यादा अच्छा है। तो उनके घर में एक संतों की मंडली आई और संतों की मंडली पूरा एक ग्रुप था संतों का, 10-12 संत थे, ब्राह्मण थे, संत विप्र कुछ भी कही अतिथि। तो एक दिन उस वैश्य के घर में आकर रुके तो वैश्य ने निवेदन किया। जब संत ने कहा कि हम जाएंगे तो उन्होंने कहा आप रुक जाइए, अभी मत जाइए, एक दो दिन यहां रहिए। तो संतों ने कहा कल से चातुर्मास व्यतीत हो रहा है और हमें किसी तीर्थ में चातुर्मास बिताना है, अगर आज रुक गए तो हमें 4 महीने यहीं रुकना पड़ेगा। बोले महाराज इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या होगी अगर आप यहां रुके और हम लोग 4 महीने तक आपकी सेवा करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। आज के किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि 12 संत 4 महीने आपके घर में रुकेंगे, 11 संत 12 महीने आपके 4 महीने आपके घर में रुकेंगे, तो सेठ जी क्या करेंगे? वो बोली बोली जवाब तो दीजिए, कहेंगे न ले मेरे भाग्य जग गए, मेरे किस्मत खुल गई, आनंद आ गए, 4 महीने आप हमारे यहां रुकेंगे, आनंद आ गया महाराज, आनंद आ गया। कहेगा ना सेठ जी, महाराज कहेंगे ना, जब यहां यज्ञ करने आ रहे थे तो बार बार बातें इस बात पे हो रही थी कितने ब्राह्मण आएंगे, कितने आएंगे। मैंने कहा ज्यादा नहीं आएंगे, कम ही आएंगे। बोले नहीं नहीं बताइए महाराज कितने आएंगे। फिर भी हमने कहा आ जाएंगे 21-51 जो भी आएंगे। तो कुछ हमारे प्रियजनों ने कहा कि महाराज जी कम लाइए, कम लाइए जरा, ये मुंबई है। कहने का अभिप्राय मेरे प्यारे, आज कल जो है एक सेठ जी के यहां पर 12 महीने या 4 महीने या 2 महीने, 11 नहीं 2 संतों का भी रहना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि बात संत ऐसा नहीं है कि धन नहीं खर्च कर सकते या सेवा नहीं कर सकते या कोई और वजह, ना ये वजह नहीं है, वजह है कि समय नहीं दे सकते। और संत न धन से प्रसन्न होते हैं न भोजन से प्रसन्न होते हैं, संत तेरे दिए हुए सुंदर समय से और तेरे साथ बिताए हुए सत्संग युक्त समय से हमेशा हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो संत के घर में, उस वैश्य के घर में संत रुके पूरे 4 महीने, लेकिन दासी के पुत्र वही बालक छोटा सा 7-8 वर्ष का वो बालक, उसको सेवा सौंपी कि जो भी संत कहें तुझे वही करना है, संतों के लिए पुष्प लाना है, संतों के लिए सेवा करनी। वो बालक संतों की सेवा में रहा, लेकिन एक सेवा उस बालक ने अपने आप संतों से छीन ली। क्या सेवा छीनी जानते हो? जब संत सोने लगे तो जाके संतों के उस, आजकल कहूंगा तो रूम में, कमरे में या जिस कक्ष में, शयन कक्ष में वो सोते थे, उस कक्ष में जाकर छिपकर बैठ जाता और जब संत सोने लगते तो झट चरणों को पकड़ लेता और चरण दबाने लगता। ये किसी ने कहा नहीं था, न तो संतों ने कहा, न सेठ जी ने कहा, न मां ने कहा, ये सेवा उस बच्चे ने जबरदस्ती छीन ली और संतों के चरण दबाता है। और संतों के चरण दबाते दबाते उस समय क्या होता है, जब संत सोते हैं तो हरि चर्चा करते हैं। क्या करते? हरि चर्चा।
कृष्ण कथा, राम कथा, भगवत चर्चा, इसी को कहते हैं सत्संग की धारा अविरल बहती है। रात्रि में अगर भगवत चर्चा करके सोएंगे तो रात्रि में स्वप्न अच्छे आएंगे, डर के मारे नींद नहीं खुलेगी। बहुत से लोगों को तो नींद ही नहीं आती, भगवान के बारे में सोचो नींद अच्छी आएगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे। जब तक दुनिया के बारे में सोचोगे नींद नहीं आएगी, और जब भगवान के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, प्रारंभ कर दोगे, तो बड़ी प्यारी नींद आएगी। सोते समय भगवत चर्चा करके सोइए, मैं गारंटी से कहता हूं रात्रि में डरावने सपने नहीं आएंगे। अब दुनिया की डरावनी डरावनी ये देखोगे, ये जिंदगी की और वो बहू थी और ये दही थी और वो है, तो डरावने सपने तो आएंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए अच्छे बारे में अच्छी बातें सोचोगे तो अच्छे स्वप्न आएंगे। इसलिए संत भगवत चर्चा करते हैं, ईश्वर चर्चा करते हैं, और जब ईश्वर चर्चा करते हैं तो वो बातें, वो कथा, वो सत्संग वो बालक सुनता है, और जब वो बालक सुनता है तो उसके श्रवण रंध्रों में कथा के माध्यम से धीरे धीरे प्रेम प्रवेश कर रहा है, धीरे धीरे प्रेम प्रवेश कर रहा है। मेरे भाई बहन, अगर बुजुर्ग कथा सुनने न जाएं तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्या पाओ, लेकिन अगर बच्चों को आप कथा में न लाएं तो मैं आपसे जबरदस्ती करूंगा कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को कथा में जरूर लाओ, क्योंकि जो आप नहीं सीख सकते वो कथा में से आपके बच्चे जरूर सीख सकते हैं, ये मेरा वादा। जो आप नहीं सीख सकते वो आपके बच्चे सीखेंगे। मेरे भाई बहन, पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ाना भी जरूरी है, लेकिन मत भूलना मेरे प्यारे, प्रभु के पास भी आना जरूरी है। और सबसे बड़ी पढ़ाई तो यही है, अगर ये पढ़ गए तो इसके बाद कोई पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है, गारंटी, इसके बाद कोई जरूरत नहीं। इसलिए बच्चों को कथा में जरूर लेके जाओ, शाम को सुबह जब मंदिर जाते हो तो मंदिर लेकर जरूर जाओ। उस बालक के श्रवण मानो तरसते हैं, उस शाम होने के लिए उसका जी तरसता है कि शाम हो, संत शयन कक्ष में जाएं, मैं चरण दबाऊं और फिर वही कृष्ण नाम की धारा मेरे श्रवणों के द्वारा मेरे हृदय तक पहुंचे। उस समय के लिए उसका चित्त तरसता है, और चरण सेवा करते 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 4 महीने कब व्यतीत हो गए, कृष्ण कथा सुनते सुनते 4 महीने कब व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। स्थिति क्या हुई, इन 4 महीनों में इस बच्चे को संतों से प्यार हो गया। क्या हो गया, जोर से बोलिए, देखा कितने धीरे बोलते हैं, कहीं गले में खराश ना आ जाए, गला परेशान, और मुंबईया स्टाइल है, जोर से बोलना पड़ेगा। जो सही मायने में सेवक होगा ना, उसे सेवा करते हुए कब वक्त निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। हम लोग कह देते हैं कि हम आपके सेवक हैं, लेकिन तुलसीदास बाबा कहते हैं सबते सेवक धर्म कठोरा। इस संसार में अगर सबसे बड़ा धर्म कई किसी का कठोर है तो वो सेवक का धर्म कठोर है। हम लोग कहने को कहते, हम भगवान से कहते हम आपके सेवक हैं, सेवक हैं, लेकिन सच बताओ क्या हम भगवान के सेवक आज तक बने। सेवक किसको कहते बताऊं, सुनोगे, जे आप सही माने में अपने बच्चों के सेवक हो। किसके सेवक हो, अपने बच्चों के। बच्चों ने कहा पापा ये चाहिए, आ जाएगा बेटा, पापा आपने ये गलत कर दिया, बोले सुधार लूंगा बेटा, पापा आप थोड़ा ध्यान रखना मुझे इस बच्ची से शादी करनी है, बोले कर ले बेटा, पापा देख लेना मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बोले बिल्कुल मत ले बेटा, पापा मुझे फलाने गाड़ी चाहिए, ले ले बेटा, जो कहे हां बेटा हां बेटा हां बेटा है? कैसे, एक बादशाह ने एक गुलाम खरीदा, गुलाम खरीदा, और गुलाम को खरीदने के बाद उसको सभा में बुलाया, और सभा में बुलाते ही पहला प्रश्न
किया। क्या खाओगे? गुलाम ने कहा जो आप खिलाएंगे। क्या पहनोगे? बोले जो आप पहनाओगे। कहां रहोगे? बोले जहां आप रखोगे। क्या काम करना पसंद करोगे? बोले जो आप करवाओगे। बाजा ने कहा तुम हमसे भी ज्यादा चतुर दिखते हो, अपनी तो कोई मर्जी रखते नहीं, सारी हमारी हां में हां मिला रहे हो, सब कुछ हमारे ऊपर ही छोड़ दिया है। तब गुलाम ने हाथ जोड़कर कहा महाराज गुलाम की मर्जी होती कहां है, गुलाम है ही वो जो अपनी मर्जी प्रत्यक्ष न रखे और जब भी कोई मालिक कहे, जो भी कहे, जो खिलाए खा ले, जो पहनाए पहन ले, जहां रख दे वहां रह जाए और जो काम करने के लिए कहे वो कर दे, वही तो सच्चा गुलाम है, वही तो सच्चा सेवक है। सरकार हम आपके सच्चे सेवक हैं, जहां आप रख लोगे वहां रह लेंगे, जहां ले जाओगे वहां ले जाए चलेंगे। ये भाव है, भगवान के प्रति कभी भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग बहुत शिकायतें करते हैं, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, तेरा राम भला करे। जो कहे, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता, भगवान सबका भला करता है। और ये बात तेरी समझ में कब आएगी ये सोच,